हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो फ्राइड जो है, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्राइड, और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, इनकी जो रुचि थी वो सबसे पहले दर्शन शास्त्र में थी, लेकिन इन्होंने मनोविज्ञान का जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, गहराई से जो है इसकी स्टडी की, और एक महान मनोवैज्ञानिक के रूप में उभर कर सामने आए। और इनको सभी जानते हैं, जिन्होंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है वो सभी फ्राइड के नाम से परिचित हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है अपने अध्ययन काल में जो है ये सोचा था कि कोई व्यक्ति जो है क्यों पागल हो जाता है, क्यों असामान्य जो है वो व्यवहार करता है। ठीक है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? यदि कारण का हम पता लगा लें तो असामान्य व्यक्ति जो है उसको भी सामान्य बना सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मन का जो है अध्ययन करना प्रारंभ किया, और अपने अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि मन में किसी तरह के दोष जो है वो आ जाते हैं तो व्यक्ति का मन जो है वो टूट फूट जाता है, जिसके कारण जो है वो व्यक्ति असामान्य हो जाता है। यानी सामान्य वो पहले नहीं था, किस वजह से वो असामान्य हुआ? जब उसके मन में किसी तरह के जो है प्रॉब्लम आ जाती है, दोष आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वो असामान्य हो जाता है। और उसी असामान्यता को दूर करने के लिए फ्राइड ने एक महत्वपूर्ण चिकित्सा विधि को अपनाया, जिसे कहा गया मनोविश्लेषण। ठीक है, किस क्या कहा गया? मनोविश्लेषण। और इसी मनोविश्लेषण के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम रख दिया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो फ्राइड ने व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए इस विधि का जो है इस्तेमाल किया, और इनके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के सिद्धांत की जो है अवस्थाएं होती हैं जिसमें सभी व्यक्तियों को गुजरना पड़ता है। तो फ्राइड ने जब वो व्यक्तित्व का जब अध्ययन किया तो इसमें इन्होंने व्यक्तित्व रचना के दो पक्ष बताए, मन का स्थलाकृति पक्ष और दूसरा मन का गतिशील पक्ष। ठीक है, स्थलाकृति पक्ष जो है इसमें इन्होंने इसके तीन भाग बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और गतिशील जो पक्ष है इसमें बताए इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम और परा अहम। तो थोड़ा सा इनको जान लें क्या होता है। तो जो इन्होंने स्थलाकृति पक्ष बताया, जिसमें पहला इन्होंने बताया भाग चेतन। तो चेतन मन का वह भाग होता है जिसमें ऐसे विचार, ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनका तात्कालिक ज्ञान जो है वो व्यक्ति को रहता है। यदि उनसे क्वेश्चन जो है तुरंत पूछा जाए, अभी अभी जो घटना हुई है तो वो तुरंत उसका आंसर देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं और आपसे पूछा जाए कि मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, तो आप इसका तुरंत आंसर दे दोगे। तो इसका जो है तात्कालिक ज्ञान रहता है। अर्धचेतन मन, ये मन का वह भाग होता है जिसमें ऐसे विचार इच्छाएं रहती हैं जिनका तात्कालिक ज्ञान जो है वो व्यक्ति को नहीं रहता है, लेकिन कोशिश करने पर वो चीज हमें याद आ जाती है। मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और कुछ चीजें माइंड से स्लिप हो जाती हैं और याद नहीं आती हैं, लेकिन कुछ देर तक याद करते हैं हम तो वो चीज वापस याद आ जाते हैं कि हाँ, इसका आंसर जो है वो ये था। ठीक है, तो वह है अर्धचेतन मन का भाग। ठीक है, जिसमें जब हम कोशिश करते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वह वापस आ जाता है। और अचेतन मन का वह भाग होता है जिसमें ऐसी दमित इच्छाएं रहती हैं जिनको याद करने पर भी वो याद नहीं आती हैं, लेकिन मनोविश्लेषण विधि द्वारा जो है इनको हम जान सकते हैं। जैसे कि सम्मोहन विधि, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं हैं जो उसके अचेतन मन में चली गई हैं, याद करने पर भी याद नहीं आ रही हैं, तो सम्मोहन विधि द्वारा जो है उसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद मन का जो गतिशील पक्ष दिया, इसके भी तीन प्रकार बताए, इदम, अहम और परा अहम। ठीक है, तो इदम जो है इसकी प्रवृत्ति जो है वो बच्चों में होती है, छोटे जो बच्चे होते हैं, जो शैशव अवस्था होती है उसमें होती है, क्योंकि एक जो बच्चा है वो हर समय क्या चाहता है? सुख ही सुख चाहता है। ठीक है, उसे किसी चीज का जो है गम नहीं होता है। और बच्चे के हाथ में जब कोई वस्तु दे दी जाती है तो वो खाने की वस्तु जो है समझकर उसको मुंह में सीधा ले लेता है, और जिस प्रकार माँ के दूध से उसे जो है अच्छा महसूस होता है, आनंद प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी वस्तु को मुंह में लेने पे उसे आनंद प्राप्त होता है। यानी हर समय जो है ये अच्छा ही चाहता है, ये नहीं सोचता है कि कोई चीज गलत है या सही है, इसको तो वो चीज चाहिए ही। उसके बाद देखिए
अहम अहम का संबंध वास्तविकता से होता है, और यहाँ पर जब बाल्यावस्था में आता है बच्चा, तो वो ये समझने लग जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो सही है और कौन सी गलत है, किन चीज़ों को जो है आपको बिना बताए उठाने पर डांट पड़ सकती है और किन चीज़ों को लेने से आपको डांट नहीं पड़ेगी। तो ये जो है हर चीज़ को सोच समझ कर करता है, ठीक है, कौन सी वस्तु जो है खाने की है और कौन सी नहीं है खाने की, तो ये सब चीज़ जो है वो जानता है, वास्तविकता से इसका संबंध रहता है। परा अहम जो है इसका संबंध नैतिकता से होता है, ये तो सोचता ही नहीं है कौन सी चीज गलत है, क्योंकि ये केवल और केवल सही चीज के बारे में ही सोचता है। यहाँ पर बच्चों के अंदर ये भावना आ जाती है कि कुछ भी हो जाए जो है मैं टूट सकता हूँ लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता, ठीक है, जिनके अंदर जो है नैतिकता का गुण होता है और वो किसी के सामने जो झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मन का जो स्थलाकृति पक्ष है, तो व्यक्तित्व की संरचना में जो फ्राइड है इन्होंने बताया कि अचेतन मन का जो भाग है वह 9/10 होता है, ठीक है, जिसमें दमित इच्छा और सुख का निवास होता है। इन्होंने अचेतन मन की तुलना जो है वो किससे की है, बर्फ के टुकड़े से की है, ठीक है, कि अचेतन मन का जो है 9/10 भाग होता है और 1/10 भाग जो है वो चेतन मन का होता है, यानी कि हम बिल्कुल जो जागृत अवस्था में होते हैं तो वहां पर हमारा मन जो है वो 1/10 भाग जो है वो कार्य करता है, ठीक है, और सबसे बड़ा भाग जो है किसका होता है, अचेतन मन का। तो चेतन मन का मैंने आपको बताया कि इसमें जो है सभी इच्छाएं और संवेदनाएं होती हैं और इसका संबंध जो है वो वास्तविकता से होता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति जो है बिल्कुल जागृत अवस्था में होता है। तो इसमें केवल वर्तमान संबंध के होने के कारण चेतन मन व्यक्तित्व के अत्यंत सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पर अर्धचेतन जो मन है, ये चेतन और अर्धचेतन इनके बीच में जो है एक ऐसी स्थिति होती है, ना तो पूरी तरह से जागी हुई और ना ही पूरी तरह से अचेतन अवस्था में होती है। कोई भी चीज जो है यदि हम भूल जाते हैं तो जोर डालने पर जो है वह चीज याद आ जाती है, ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है अपना चश्मा जो है या कोई वस्तु रखकर भूल जाता है और कुछ समय तक सोचता है और सोचने के बाद उसको याद आ जाता है कि वो चश्मा या कोई वस्तु जो है कहाँ पर मैंने रखी थी, ठीक है, पहले तो उसको याद नहीं आती है लेकिन जब वह अपनी जो माइंड जो है उस पर जोर डालता है तो वह चीज उसको याद आ जाती है। वहीं पर तीसरा जो है अचेतन मन, तो चेतन के बिल्कुल उल्टा है ये अचेतन मन, ठीक है, चेतना से बिल्कुल परे है। तो सिगमंड फ्राइड जो है इन्होंने अर्धचेतन की तुलना में अचेतन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माना है, अचेतन मन को माना है, कि जो मन है उसका सबसे बड़ा भाग जो है वो अचेतन मन होता है। इनके अनुसार मनुष्य का व्यवहार जो है अचेतन अनुभूतियां इच्छाएं या प्रेरणाओं से सर्वाधिक प्रमाणित होता है, ठीक है, और सिगमंड फ्राइड की मान्यता रही है कि अचेतन में जो भी इच्छा होती है, जो भी विचार होते हैं, जो भी अनुभव होते हैं, तो ये असामाजिक होते हैं। इनका स्वरूप कैसा होता है, असामाजिक होता है, अनैतिक होता है। इसका मतलब क्या है कि नैतिक दबाव या सामाजिक दबाव इसके कारण जो है कुछ इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति की नहीं हो पाती है और चेतन मन में वो नहीं आ पाती है। तो ऐसी इच्छाएं जो है वो चेतन स्तर से जो है निष्क्रिय होकर कहाँ चली जाती हैं, अचेतन मन में चली जाती हैं। कई बार जो है व्यक्ति ये सोचता है कि ये चीज जो है मुझे करनी चाहिए लेकिन समाज के डर से जो है वो अपनी उस इच्छा को उस विचार को जो है वो दबा लेता है और धीरे धीरे जो है वो अचेतन मन में चली जाती है और याद करने पर भी वो याद नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति के शरीर पर उस चीज का प्रभाव दिखाई देता है तो मनोचिकित्सा में जो है विधियां अपनाई जाती हैं, जिसके बाद जो है जो भी इच्छाएं जो कि उसकी दब गई हैं तो उनको जो है बाहर निकाला जाता है, ठीक है। फ्राइड ने जो है अचेतन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस माना है। चेतन मन वर्तमान से संबंधित है और अचेतन मन जो है जो कि 90% भाग होता है मन का, ये मैंने आपको बता दिया है। अचेतन मन जो है वो 9/10 भाग होता है, जिसमें दमित इच्छाएं और सुख का निवास होता है, यानी ऐसी इच्छाएं जो है उनको दबाने पर जो है कभी कभी सुख की अनुभूति होती है। फ्राइड ने इसे महत्वपूर्ण भाग कहा। इसमें दबी हुई इच्छाएं होती हैं, अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। देखिए इस यहाँ पर जो इच्छाएं जो होती हैं कैसी होती हैं, अतृप्त होती हैं, जिनकी संतुष्टि नहीं हुई हो, ठीक है, काम शक्ति का भंडार है ये। फ्राइड ने अचेतन को व्यक्तित्व एवं व्यवहार में चेतन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण
माना है। अब कई बार जो है आप खुद सोचिए, इसमें अपना जो है एग्जाम्पल खुद सोच कर देखिए कि कुछ इच्छाएं ऐसी रही होंगी जो कि आपने कुछ कार्य ऐसा करने का सोचा होगा, लेकिन लोगों के डर से, परिवार के डर से उस कार्य को नहीं किया होगा और सोचा होगा कि यदि ये कार्य हम करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, या परिवार क्या कहेगा, या संगी साथी क्या कहेंगे। तो अच्छा है कि इस चीज़ को हम जो है वो भूल जाएं, इस इच्छा को जो है दबा लें और इसको जो है मन के किसी कोने में फेंक दें। तो वही है अचेतन मन। नेक्स्ट देखिए अर्धचेतन मन, अचानक से भूल जाना लेकिन प्रयत्न करने पर याद आना। मन का जो गतिशील पक्ष बताया फ्राइड ने, तो मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहला जो है इदम, यानी जिसको इड कहते हैं, अहम जिसको ईगो कहते हैं, और परा अहम जिसको सुपर ईगो कहते हैं। ठीक है, ये वो अहम नहीं है घमंड वाला, यानी वो ईगो वाला वो नहीं है। ये क्या है, ये जो है बैलेंस बना के रखता है। मन का ऐसा गतिशील पक्ष जो कि बैलेंस बना के रखता है ये गलत और सही, इन सभी चीजों को जानकर आगे का कोई भी कार्य करने की सोचता है। इड जो है, सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये शैशव अवस्था में अधिक होता है। यहाँ पर बच्चा ये नहीं सोचता है क्या गलत है क्या सही है, इसको जो चाहिए वो चाहिए। सुखवादी सिद्धांत है, जन्मजात और वंशानुगत पर आधारित है। अतृप्त इच्छाओं का भंडार है, यानी कि जो अचेतन जो है इसको हम इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रकृति होती है व्यक्ति की, बच्चे की, पशुओं के समान होती है, तो इसीलिए इसे व्यक्ति के अचेतन मन के साथ हम जोड़ सकते हैं। इसे उचित अनुचित से कोई मतलब नहीं होता है, और इड पर नियंत्रण जो है वो ईगो करता है। ईगो हमेशा बोलेगा इड को कि नहीं ये गलत है ऐसा मत करो। ठीक है, आदमी के अंदर से जो है पशु की तुलना की संज्ञा की गई है इड की, क्योंकि यहाँ पशुओं के समान, जैसे पशु होता है वो राह में चल रहा होता है, उसे नहीं पता होता है क्या गंदा है क्या अच्छा है, वो उसको खाने की सोचता है और उसको खा भी लेता है। तो इसी वजह से आदमी के अंदर से पशु की तुलना से संज्ञा की जाती है इड की। यहाँ पर मानसिक इच्छा तो कम होती है लेकिन शारीरिक इच्छा जो है वो अधिक होती है। दूसरा जो है ईगो यानी अहम, तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ये पक्ष आता है, जो कि वास्तविकता पर आधारित होता है। ठीक है, और ये जो है व्यक्ति की जो आवश्यकता की संतुष्टि है तो वास्तविकता के धरातल पर करता है। ये जो है उचित अनुचित का निर्णय जो है वह करता है। मान लीजिए एक बच्चा जो है यानी इड जो है वो आइसक्रीम खाना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि आइसक्रीम जो है किसी के हाथ में भी हो झटक कर खा लो। तो वहीं पर ईगो जो है, अहम जो है, वो क्या कहता है कि दुकानदार से बिना पूछे जो है आइसक्रीम हमें नहीं लेनी चाहिए, उस इंसान से बिना पूछे हमें उसकी आइसक्रीम को नहीं छीनना चाहिए, यदि छीनोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो उचित अनुचित का निर्णय जो है ये अहम करता है। यह इड की इच्छाओं पर जो एक सैनिक के रूप में कार्य करता है, बताता रहता है कि ये चीज सही नहीं है और ये चीज सही है। मनुष्य के भीतर से आदमी की संज्ञा जो है इसको दी गई है, अहम को। इसमें मानसिक इच्छाएं और शारीरिक इच्छाएं जो है वो दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, ध्यान से जो है कार्य करने वाला है ये अहम। फिर देखें परा अहम, तो परा अहम जो है ये जो है इड और ईगो को बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है या नहीं है। ठीक है, ये नैतिकता की बात है जो है वो ज्यादा करता है। अपने आप को झुकना ये नहीं सिखाता है कि मुझे किसी के आगे जो है नहीं झुकना है। ठीक है, इसमें व्यक्ति जो है अपनी स्वार्थी जो प्रकृति है उसका त्याग कर देता है और लोक हित के कार्य करना शुरू कर देता है। कष्ट में रहकर भी लोगों की रक्षा करता है। आदर्शवादी और हमेशा उचित की बात करेगा सुपर ईगो। अहम और इड जो है इन दोनों पर ये नियंत्रण रखता है। परा अहम में शारीरिक इच्छा कम और मानसिक इच्छा जो है वह अधिक होती है। यहाँ पर मानसिक इच्छा अधिक होती है, जबकि इड में हमने देखा कि वहां पर शारीरिक इच्छा अधिक है और मानसिक इच्छा कम होती है। तो ये तीनों चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हैं।
तो जो इड है यानी इदम जो है ये क्या चाहता है कि ये चीज जो है वो मुझे चाहिए, ठीक है, जिससे कि मुझे संतुष्टि मिल सके, मुझे सुख की अनुभूति हो सके। अहम ये सोचेगा कि क्या सही है क्या गलत है, यदि सही है तो मैं इसको कर लेता हूँ, यदि गलत है तो मैं इसको नहीं करूँगा, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या है दंड मिलेगा, दंड का भुगतान करना पड़ेगा। परा अहम जो है वो ये सोचता ही नहीं है कि गलत करना है, वो तो केवल सीधी राह पर चलना चाहता है, नैतिकता के राह पर चलना चाहता है, जो सही है बस उसी को पकड़ता है, गलत की तरफ सोचता ही नहीं है। फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियां जो है वो दो बताई, जो कि किसके भाग हैं, इड के भाग हैं। तो मूल प्रवृत्ति से सिगमंड फ्राइड का क्या मतलब है कि जन्मजात शारीरिक उत्तेजना जो है वो मूल प्रवृत्ति के समस्त व्यवहार की निर्धारक होती है। तो इन मूल प्रवृत्तियों को सिगमंड फ्राइड ने जो है दो श्रेणियों में बांटा, एक जो है जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे कहा इरोज, दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे कहा थैनाटोस। फ्राइड कहते हैं कि जो जीवन मूल प्रवृत्ति है इसके कारण व्यक्ति की प्रवृत्ति जो है वो रचनात्मक कार्यों में होती है, ठीक है, और वो नए नए या मौलिक या अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। रचनात्मक कार्यों में मानव जाति का प्रजनन जो है वो भी शामिल है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि सिगमंड फ्राइड जो है वो अपने पूरे सिद्धांत में यौन मूल प्रवृत्ति जो है उस पर सर्वाधिक जोर देते हैं, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या कहा, लिबिडो कहा, जो कि किसका पार्ट है, जीवन मूल प्रवृत्ति का पार्ट है। जो रचनात्मक कार्यों की ये बात करते हैं जिसमें मानव जाति का प्रजनन जो है वह भी शामिल है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जोर जो है फ्राइड ने इसी को दिया है, लिबिडो को दिया है, यौन मूल प्रवृत्ति को दिया है। फ्राइड के अकॉर्डिंग यौन ऊर्जा जो है वो व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है देखिए थैनाटोस यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, तो इस प्रवृत्ति के कारण जो है हिंसात्मक या आक्रामक व्यवहार जो है वो व्यक्ति करता है और उसकी प्रवृत्ति जो है वो जो गलत कार्य होते हैं उसकी ओर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया भी हुआ है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है जिसमें इन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई तो सबसे ज्यादा जोर इन्होंने किस पर दिया, तो किस पर जोर दिया इन्होंने, इन्होंने लिविडो पर जोर सर्वाधिक दिया, ठीक है। चलिए फ्राइड के सिद्धांत के बाद है व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। तो कैटल का जो सिद्धांत है जिसमें इन्होंने शील गुणों को दो भागों में बांटा, जिसमें पहला जो भाग बताया वह है सतही शील गुण का और दूसरा है मूल शील गुण। इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व में दो शील गुण जो हैं वो होते हैं, सतही शील गुण और मूल शील गुण। सतही शील गुण ये वे शील गुण हैं जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि उसका खुश होना, परोपकारिता या सत्यनिष्ठता, ठीक है। तो ये जो है व्यवहार जो है व्यक्ति के दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की जिंदगी में आपको दिखाई देगा। दूसरा है मूल शील गुण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सतही शील गुण से, ठीक है। मूल शील गुण व्यक्ति की भीतरी संरचना से है, जैसे सामुदायिकता, मित्रता या निस्वार्थता। तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि कैटल ने शील गुणों को दो भागों में बांटा, सतही शील गुण और मूल शील गुण। कैटल ने जो मूल शील गुण है इनके भी जो है दो भाग बताए थे, एक तो स्वाभाविक शील गुण और दूसरा पर्यावरण शील गुण। जो स्वाभाविक शील गुण है यानी कि मूल शील गुण की ही मैं बात कर रही हूँ, तो जो स्वाभाविक शील गुण है इसे जो है इन्होंने हेरिडिटी से जोड़ा था, वंशानुक्रम से जोड़ा था, और दूसरा जो पर्यावरणीय शील गुण है इसे इन्होंने वातावरण या पर्यावरण से जोड़ा था। तो इन्होंने मूल शील गुणों की संख्या, मूल शील गुण कौन से हैं जो कि भीतरी संरचना से है व्यक्ति की, जैसे सामुदायिकता है, मित्रता है या निस्वार्थता है, तो इसकी संख्या इन्होंने कितनी बताई थी, 35 बताई थी। तो इन 35 मूल शील गुणों में से 23 मूल शील गुण जो है वो सामान्य व्यक्तियों में होते हैं और 12 शील गुण जो है वो असामान्य व्यक्तियों में होते हैं। ये जो 23 मूल शील गुण है जो कि सामान्य व्यक्तियों में होते हैं इसके ऊपर जो है इन्होंने दोबारा से रिसर्च किया 1940 में, और इसमें से 16 जो है इनको महत्वपूर्ण माना, और इसके अध्ययन के लिए, किसके व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए 16 PF प्रश्नावली बनाई, ठीक है। और इन्हीं इन्होंने जो मूल शील गुण बताए 16, तो इसमें से
पांचों जो शील गुण है यहां तक सीमित कर दिया गोल्ड वर्ग, पीडमोंट और पॉल कोस्टा ने। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है इसे पांच तक सीमित किया और एक अलग थ्योरी जो है वह बनाई, ओशियन थ्योरी, जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व का वर्णन करने वाले जो है पांच कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो ओशियन थ्योरी है जिसमें ओ का अर्थ है ओपननेस, सी का अर्थ है कॉन्शियसनेस, ई का है एक्स्ट्रावर्जन, ए का है एग्रीवलनेस, उसके बाद एन से है न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, तो ओ से देखिए, ओ का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनमें स्वाभाविक, दयालु, विश्वसनीय ये गुण होते हैं, और सी से यानी कि वास्तविक, रचनात्मक और साहसी प्रवृत्ति के होते हैं इनके व्यक्तित्व में। ई से देखिए, मिलनसार, बातूनी और स्नेही होते हैं। ए से सचेत, भरोसेमंद और मेहनती होते हैं। और एन से चिंतित, असुरक्षित, घबराहट इनको अधिक होती है, और अति भावुक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ये होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि व्यक्तित्व से संबंधित PF16 सारणी का प्रतिपादन किसने किया। तो ये याद रखें, किसने किया? कैटल ने किया। और इसके बाद में कैटल ने जो प्रश्नावली बनाई थी, तो इन्होंने गोल्ड वर्ग, पीडमोंट और पोल कोस्टा ने इसे पांच तक सीमित करके ओशियन थ्योरी थ्योरी जो है वो दी व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए। उसके बाद देखिए ऑलपोर्ट का सीलगुण सिद्धांत। तो सीलगुण सिद्धांत में दो मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को शामिल किया जाता है, एक कैटल और दूसरे ऑलपोर्ट। तो ऑलपोर्ट का जो सिद्धांत है इसको भी सीलगुण सिद्धांत कहा जाता है, और इन्होंने भी शील गुण के जो है दो भाग बताए, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण, जिसमें से व्यक्तिगत शील गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सामान्य शील गुण क्या होता है? ये वे शील गुण होते हैं जो अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं, जिनके आधार पर समाज के अधिकतर लोगों की आपस में तुलना की जाती है। और व्यक्तिगत शील गुण कैसे होते हैं? व्यक्तिगत प्रवृत्ति से तात्पर्य ऐसे सील गुणों से होता है जो किसी समाज या संस्कृति के व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहती है। यानी कि सामान्य जो सील गुण है ये समाज के अधिकतर व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जबकि व्यक्तिगत सील गुण जो है ये समाज के किसी व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। और सामान्य सील गुण के आधार पर कई व्यक्तियों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन हम कर सकते हैं, जबकि व्यक्तिगत सील गुण जो है इसके आधार पर एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न शील गुणों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑलपोर्ट ने सामान्य शील गुणों की तुलना में व्यक्तिगत शील गुण जो है इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना, और इसके अध्ययन पर जो है वो ज्यादा जोर दिया। ठीक है, ऑलपोर्ट ने सामान्य शील गुणों की तुलना में व्यक्तिगत शील गुण के अध्ययन पर अधिक बल दिया, और व्यक्तिगत शील गुणों की संख्या जो है इन्होंने कितनी बताई? 18,000 बताई। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि व्यक्तित्व से संबंधित PF16 सारणी का प्रतिपादन किसने किया? कैटल ने किया। ठीक है, और कैटल ने ऑलपोर्ट के जो 18,000 सील गुण थे इसमें से ही 45 सील गुण जो है इसको चुना भी था। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि व्यक्तिगत सील गुणों की संख्या 18,000 किसने बताई? ऑलपोर्ट ने बताई। व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत किसने दिया? मुर्रे ने दिया। तो सील गुण सिद्धांत किसने दिया? दो मनोवैज्ञानिकों ने, ऑलपोर्ट ने, और दूसरा किसने? कैटल ने। फ्राइड का सिद्धांत का क्या नाम था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मांग सिद्धांत किसका है व्यक्तित्व का? मुर्रे का, जो कि 1938 में दिया गया। तो देखिए, इनके सिद्धांत में है कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वह वातावरण व्यक्ति से 40 प्रकार की मांगे करता है। यदि व्यक्ति इन मांगों को पूरा कर लेता है तो व्यक्ति का वातावरण से समायोजन हो जाता है और व्यक्तित्व समायोजित बन जाता है उस व्यक्ति का। यदि व्यक्ति इन मांगों को पूरा नहीं करता है तो व्यक्ति का वातावरण में असमायोजन हो जाता है और व्यक्तित्व जो है उसका कुसमायोजित बन जाता है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि देखिए, एक समाज है और यहाँ पर जिस तरीके के रीति रिवाज, शादी विवाह जिस प्रकार के यहाँ पर होते हैं, तो सभी व्यक्ति जो हैं वो उसी प्रकार के व्यवहार जो हैं वो करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो
इस समाज से जो है अलग रहकर व्यवहार करता है, यानी कि शादी विवाह में जो है इसको शामिल होना ये भी पसंद नहीं है, दोस्त वगैरह बनाना जो है ये भी पसंद नहीं है, समाज जो उससे डिमांड कर रहा है उसको वो पूरा नहीं कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस समाज से जो है वो कट जाता है, अलग हो जाता है, यहाँ पर जो है वो समायोजन नहीं कर पाता है, और इस वजह से जो है वो कैसा हो जाता है, उसका व्यक्तित्व कुसमायोजित हो जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आगे चलकर वो खुद ये सोचता है कि मैं इस समाज के लिए क्यों नहीं बना हूं, मैं इनके जैसा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो समाज के अन्य व्यक्ति जो थे, ये जो है उस समाज की, उस वातावरण की जो है पूरी इच्छाएं जो है वो कर रहे हैं, जो समाज उनसे डिमांड करता है वो उनको पूरा करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वो निवास करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो है वो समायोजित बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, ठीक है। और ये वाला जो है आपका पॉइंट पूरा होते ही आपका पर्सनैलिटी का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप लोग जो है इसको बार बार रिवाइज करिए, पढ़िए, वीडियो को सुनिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये नोट्स तैयार किए गए हैं कि आपको बहुत ही सरल लगेगा मनोविज्ञान। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम व्यक्तित्व मापन की विधियों की बात करेंगे। थैंक यू।